यार वो ताला भी ना 20-25 बार में खुलता था, मैंने उस दिन चाबी लगाई कट से खुल गया वो। ऊपर वाला तो साथ नहीं दे रहा आज। मैंने ताला ऊपर अटका, कुंडी खोली, मैंने कहा अंकल अब आप कर लो। अंकल ने गेट खोला, पहले तो बादल आए। वो दो जर्मन शेफर्ड अंकल के ऊपर से गए। वो आदमी स्मोक नहीं करता, कह रहा ये क्या था, मैंने कहा कुछ नहीं कुछ नहीं। अंदर आओगे तो बिजली भी कड़क रही, आ जाओ। अंकल अंदर घुसे, सामने एक चेयर पड़ी थी, उस पर कपड़े भरे थे, मैंने कपड़े हटाए, मैंने कहा अंकल यहाँ बैठ जाओ, बस बैठ रहो। बाप लाइट जलाओ, मैंने कहा लाइट नहीं आ रही। वो पुराना वाला स्विच बोर्ड लगा हुआ था, उस पर वो इंडिकेटर नहीं लगा रहा था, तो वो जल रहा था, तो कह रहा वो तो जल रहा है, मैं कहा इन्वर्टर चल रहा है, छोटा इन्वर्टर इतना ही लोड ले पाता। उठे लाइट जला दिया के, मैं कहा इसमें आप अपने आप किया आपने जो किया। अब देख लो। कमरा देखा, मैंने लाइव हार्ट अटैक आते देखा। उनका हाथ ऐसे दिल पे गया, मैं कहा ये मरेगा मेरे नाम लेके। मैंने कहा मना करा था ना मैं। बैठ जाओ। उन्होंने सारी बोतल देखी, तो पहले तो नहीं ये समझ में नहीं आया कि शराब पीते हैं कबाड़ी काम करते हैं। बॉटल देखी और मतलब इतना जेन्युइन सवाल उनका कि पीते ही हो ना। देखा हाँ पीते। और देखा कि साफ सफाई देखी कितनी है। उठ के कमरे में घूमे, मैं उधर मत जाओ कत्लो रखा वहां पर। उन्होंने देखा हमारा चाय वाय का एरिया, कह रहे अच्छा अच्छा ठीक। एक तो बाप लोगों को ना बच्चा उनका आर्टिस्ट है, उसकी कदर नहीं होती, आर्ट की कदर नहीं होती। उन्हें इतना सुंदर पिरामिड बनाया था हमने सिगरेट की डब्बियों से, तोड़ दिया। हम पंखा नहीं चलाते थे कि गिर जाएगा, आगे तोड़ दिया वो। और डिब्बियां देख रहे हैं सारी, उसमें से एक डब्बी उठाई, उसमें आवाज आई, खोली तो उसमें बीड़ी थी। तो कह रहे तुम सिगरेट भी नहीं पीते। नहीं अंकल पीते हैं, ये रात को 2 बजे का इमरजेंसी वाला है, वैसे भी बहुत पैसे वेस्ट हो ना। भाई वो कैरेक्टर आदमी थे यार, वो सैम उनसे पैसे मांगता था ना कि ये वाली 2 बुक्स चाहिए, पैसे दे दो, तो वही वाली 2 बुक भेज देते थे। फिर हम दोनों पूरे मार्केट में बुक ले घूम रहे थे, कोई ले लो यार, तो हमारे तो कोर्स की भी नहीं है। अंकल ने देखा पूरा माहौल वाल, बैठ गए, अब वेट चल रहा है। मैं अंकल चाय पियो, कह रहा चाय पी तो तुम लोग, मैं पक्षोदी करने जरूरत, टॉन्ट मत मारो, पीनी है तो बताओ। तो मैं बहुत देर से वेट कर रहा हूँ, यहाँ पिटाई नहीं हो रही है। भाई इतने में हमारे सैमिनम साहब, देखो इस लड़के को बिल्कुल नहीं पता है बाहर क्या हो रहा है, इसकी दुनिया कहीं और है, ये वॉशरूम से निकला, इसका ऐसे हाथ निकला, ये